हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार। मैं हूँ ठीक, और क्या है आपके समाचार? आशा करता हूँ आप भी होंगे ठीक। मैं हूँ अभी दीमापुर। दीमापुर में क्यों आया? असल में कहानी कुछ और ही है। मेरा घर है बिहार में, लेकिन मेरा बिजनेस वगैरह है दीमापुर में। मेरे पापा मम्मी सब दीमापुर रहते हैं, तो मैं बिहार में अकेला ही था। लेकिन कुछ कारणों से अकेला था, मतलब लॉकडाउन था और ये सब लॉकडाउन कोरोना वायरस इसके वजह से। तो मैं अभी आया हूँ दीमापुर, और मैं 8 दिन क्वारंटाइन था। 20 को आया, 28 को क्वारंटाइन से छूटा। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो इसके वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। और मैं अभी बिगनर हूँ, मतलब उतना मुझे नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ, बनाता हूँ कुछ कुछ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता होगा। मैं आप लोगों को आज दीमापुर घुमाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब जहाँ हूँ वहीं घुमाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा दीमापुर बंद है। दीमापुर बंद होने से, मतलब बंद नहीं है, खुला है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए कड़ाई, और कोविड भी चल रहा है, तो मार्केट में जाने में उतना थोड़ा दिक्कत है। तो आप लोग को मैं आज दीमापुर स्टेशन वगैरह घुमाऊंगा, कहाँ स्टेशन है, कैसा है दीमापुर का रेलवे स्टेशन, और क्या है अभी वहाँ का हाल, अभी का समय जैसा चल रहा है। तो दीमापुर में अभी बहुत से आदमी आ नहीं रहे हैं, मतलब यही 8 दिन का क्वारंटाइन। अगर किसी को बुखार ज़्यादा है तो उसको होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और होटल में क्वारंटाइन होने का मतलब है कि पैसे खर्च होंगे। कुछ गरीब व्यक्ति भी है यहाँ, काम करते हैं, तो होटल में रहने से पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो इसके लिए वो नेगलेक्ट मतलब नहीं आ रहे हैं, और थोड़ा मतलब आने में हिचकिचा रहे हैं। अगर ये कंपलसरी हो जाएगा कि सिर्फ आपको होम क्वारंटाइन ही रहना है, तो बहुत से लोग आएंगे। अभी क्वारंटाइन मतलब यहाँ की सरकार जो है, नागालैंड सरकार, यहाँ नागालैंड में दीमापुर पड़ता है, यहाँ की नागालैंड सरकार जो है वो अभी बहुत मतलब कड़ाई की हुई है। यहाँ उतना अभी पूरा दिल्ली बॉम्बे सब कुछ खुल चुका है, लेकिन यहाँ बहुत सब मतलब कड़ाई से चल रहा है, यहाँ कड़ाई का पालन करना पड़ता है। जैसे आपको मैं दीमापुर स्टेशन घुमाऊंगा, तो बाहर से ही घुमाऊंगा, और साइड से आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा है अभी स्टेशन का ये हाल। सामान वगैरह आ रहे हैं, जैसे कोई बाहर से पार्सल वगैरह आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी पैसेंजर आ रहा है तो उसको पहले आपको 4 माइल, यहाँ 4 माइल एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाना होगा, वहाँ चेक करा कर आपको एक पेपर दे दिया जाएगा। वो पेपर अगर आप होम क्वारंटाइन, अगर आपको बुखार कम है तो आपको होम क्वारंटाइन डाल देगा, अगर बुखार ज़्यादा है तो आपको होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वहाँ आपको चेक वगैरह करेंगे। अगर वहाँ आपका हालत ख़राब ज़्यादा हो रहा है, तो आपको वहाँ से कोई मतलब दूसरे जगह भी भेज सकते हैं कोविड टेस्ट के लिए। तो यही था मेरा पूरे स्टोरी। चलिए मैं आपको दीमापुर आज घुमाऊंगा। मैं घुमाऊंगा आपको रेलवे कॉलोनी, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, तो मैं रेलवे कॉलोनी में घुमाऊंगा। वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को आज दीमापुर घुमाऊंगा, तो मैं आज निकला हूँ घूमने। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। ये मार्केट बड़ा मार्केट नहीं है, लगता था मार्केट पहले, लेकिन अभी कोविड की वजह से उतना बड़ा मार्केट नहीं लगता। जो देखा वो मार्केट का मतलब पूरा मेन ये मार्केट लगता है, लेकिन कोविड की वजह से संडे को बंद रहता है ये मार्केट, और दिन खुला रहता है। अभी मैं जो रास्ते से जा रहा हूँ, वो रास्ता दीमापुर स्टेशन के तरफ जाएगा, जो कुछ बड़ा कॉलोनी नहीं है, छोटा सा कॉलोनी है। यहाँ रेलवे के स्टाफ वगैरह रहते हैं, ये रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है।
दिख रहा है दीमापुर स्टेशन। ये वहाँ जो टैक्सी वगैरह लगे हुए हैं, टैक्सी वगैरह जो टैक्सी अगर आपको दीमापुरा का टैक्सी अगर आपको हायर करना है टैक्सी, और यहाँ टेम्पो वगैरह भी लगे हुए हैं। ये जो गेट है वो मेन गेट है जिसके द्वारा आप बाहर जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट भी। ये दीमापुर का टिकट रिजर्वेशन काउंटर है। यहीं रेल के लिए टिकट रिजर्व होता है जो आप हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं। और ये एक मंदिर है। तो रही है मेन गेट रेलवे स्टेशन दीमापुर का, जहाँ से सभी कोई अंदर जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ। एक मिनट, मैं तो अभी बोल रहा था स्टेशन में कोई नहीं जा रहा है, तो ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं? चलिए आगे पता चलेगा ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। देखिए यही रास्ता है स्टेशन की तरफ जाने के लिए। देखिए वो बंद है वहाँ। और दूसरा रास्ता जो यहाँ मैं अभी घुमा के दिखा रहा हूँ, हाँ यहाँ इस तरफ से आप उस पार चले जाइएगा। यह है दीमापुर स्टेशन। देखिए कैसे बंद पड़ा हुआ है अभी स्टेशन। अभी ट्रेन वगैरह उतने नहीं आ रही है, एक इंजन अभी चल रही है, कोई शायद कोई मालगाड़ी ले जाएगी अभी। अभी कोविड की वजह से बाजार वगैरह बंद है, नहीं तो यहाँ पे हाई स्कूल के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ वहाँ पर मेंढक की लोग खाता था, तो वो इसका मार्केट यहाँ रहता था, मेंढक रहता था, छोटे छोटे जीव जंतु रहता था, उसमें सब मार्केट यहाँ रहता था। अभी तो कोविड की वजह से सब बंद है। यहाँ पर ये मालगाड़ी में गिट्टी लोड हो रहा है, जो हमारे आपके घर में छत वगैरह में लगते हैं वही गिट्टी हों, ये लोड होकर दूसरे दूसरे शहरों में जाएंगे। हॉन्ग मार्केट ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हॉन्ग मार्केट है, यहाँ का फेमस मार्केट है। मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज तो संडे है, आज तो बंद होगा सब मार्केट। चलिए देख रहे हैं क्या बंद है क्या खुला है। मार्केट वगैरह तो सभी बंद होंगे। ये यहाँ से लोकल लोग इस तरफ से आके स्टेशन में नहीं जा सकते, आप यहाँ से निकल जाएंगे। और ये मार्केट मतलब पार करने का पुल है रास्ता। ये दीमापुर का मार्केट, मेन मार्केट तो नहीं करेंगे लेकिन हाँ बहुत बड़ा मार्केट है। और यहीं से ये हांगकांग मार्केट का रास्ता यहाँ से जाता है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, यहाँ पूरा भीड़ रहता है। लेकिन आज देखिएगा तो सब बंद है, आज देखिएगा तो आज पूरा बंद है, एक भी आदमी आज नहीं है संडे के बगैर। यही था दीमापुर स्टेशन। और ये आज मतलब इतना अच्छी तरह से मैं दिखा नहीं पाया हूँ, जैसे कि कोविड का समय चल रहा है तो अभी स्टेशन वगैरह में आप जा नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपसे देखा सैनिटाइजर मशीन, जो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आते उसे सैनिटाइज करता, तो आगे मैं चल रहा हूँ अपना कॉलोनी, आपको दिखाऊंगा, देखते रहिएगा। ये रेलवे का पार्सल डिपार्टमेंट है, यहीं से पार्सल वगैरह आते जाते हैं। जब हम मैं जा रहा था तो ये बसेस नहीं थी, अभी ये बसेस आ गया नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट। ये बसेस जो ट्रेन में जितने भी व्यक्ति आएंगे उन्हें सैनिटाइज करके हॉस्पिटल ले जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल में जाकर उसका कोविड टेस्ट होगा या स्क्रीनिंग होगा, दोनों हो सकता है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उसका कोविड टेस्ट के लिए भेज देगा, और
कम सीरियस कंडीशन है तो उसके लिए स्क्रीनिंग करके छोड़ देगा। तो ये नागालैंड स्टेट का बस है, ये सरकारी बस है। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत दिनों से मंदिर देख रहे हैं। और ये सामने वाला ये होटल है, खाना बहुत ना होटल है, खाना वाना खाने के लिए बहुत अच्छा होटल है। आप यहाँ का होटल खाना जो खा सकते हैं। यहाँ से सीधा जाने से वो टीना दिख रहा है ना, वो येलो कलर का डिस्प्ले लेडी, वहाँ जाना है। पर उससे पहले मुझे जाना है यहाँ साइड, इस साइड एक रास्ता है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरे भैया रहते हैं, कोई पर्सनल काम है मुझे, तो मैं मिल के फिर जाऊँगा वहाँ। रास्ता मैं आपसे मिलता हूँ कुछ देर के बाद। तो दोस्तों आ गया मैं भैया घर से, अभी एक काम था हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ अभी घर पे, मैं आपको घर पे जाकर मिलता हूँ। और ये वो रास्ता जहाँ से मैं गया था, फिर मैं वापस आ गया। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी अब मैं आपको डिमापुर स्टेशन घुमाया। मैं जानता हूँ कि वीडियो ज़रा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं यही अभी कर पा रहा हूँ। अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपको लाता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप और भी वीडियोज़ देखें। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और मेरा एक और भी चैनल है राहुल कुमार भगत नाम से, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।